ये जो गली हम लोग ने जो ब्लॉक लिस्ट में जो ब्लॉक पे जो जितने भी है पदाधिकारी गांव खेड़े तक जो पदाधिकारी है उसको चार चार गांव में एक 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 पदाधिकारी का अध्यक्ष बना दीजिए, चार चार गांव एक एक और वहां पे चार लोगों को खड़ा कर जो गांव में वो पैसे पहुंचा सके, उनके मुहिम को पहुंचा सके, जल्द से जल्द वहां से विधवाओं का पेपर जमा हो सके, तो ये जल्दी जमा होगा, अकाउंटिंग जल्दी हो सकता है, जिला वाइज जिस दिन भी अकाउंटिंग हो गया समझ लो आप जीत गए, और वो मुहिम लेने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अपना मंत्रालय में बीएमसी में केंद्र में अपना काम चलते रहेगा, ये पूरे सालों तक चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये आज ही काम शुरू हुआ कल बंद नहीं होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को जीवन भर खड़ा रहना, 15 साल इसके अंदर लोग काम करेंगे, 15 साल बाद रिटायर होंगे, दूसरे कोई काम करेंगे, चाहे मैं क्यों ना हमारी जगह पे दूसरा आ सके, तो 15 साल सभी के लिए दिया गया, 15 साल काम करेंगे उसके बाद रिटायर अपने आराम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देश के लिए काम किए और आप लोग को जो रिटायरमेंट जो होगा वो सारी व्यवस्था पूरी जीवन दिया जाएगा आपके परिवार, ऐसा नहीं कि रिटायर होने के बाद अब हम क्या करें पैसा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले मिलता था वो तभी भी मिले, कि जो आप लोगों को उम्र आने में जो बच्चे तकलीफ ना दे सके, नहीं तो माँ बाप को निकाल फेंक देते हैं, आश्रम में डाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, महिला शक्ति इतना सक्षम है कि आश्रम भी है उसके पास, स्कूल भी उसके पास, कॉलेज भी उसके पास, हॉस्पिटल है उसके पास, चैनल है उसके पास, पेपर अभी पूरे भारत में जो फैला रहे कम से कम 20,000 एक जिले में नौकरी दी जाएगी, 20,000 बोलते हमारे देश में रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, क्यों नहीं है, काम करो सब कुछ है, आज आप लोग काम करने के लिए आए ना इतने दूर से, क्यों आए इतने दूर से, आने का मकसद क्या है आप लोगों का, संडे है घर पे रह सकते हो, लेकिन किसके लिए आया है वो विधवा माता की, जिस दिन उनके बीच में आप रैली में जाओगे आप उस दिन हमसे फोन करके जरूर बात करना कि उनके बीच से जब आने के बाद घर पे बैठना और मुझे फोन करना, क्योंकि आपको जब उसके बीच में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि उनके अंदर कितने बड़े वो आपको कितनी दुआ दे सके वो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए कोई तो खड़ा हुआ है, कोई तो खड़ा हुआ है, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बार बार और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, यही बोल के मैं धन्यवाद देता हूं, हर महादेव।